शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के सपने को उद्धव ठाकरे साकार करने जा रहे हैं। वो आज शाम शिवाजी पार्क में सीएम पद की शपथ लेंगे। सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सीएम की कुर्सी में बहुत कीले होती हैं। इससे साफ जाहिर है कि उद्धव ठाकरे के सिर मुख्यमंत्री का ताज कांटों भरा है। उद्धव भले ही कुर्सी के लिए बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हो, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे में सवाल है कि उद्धव ठाकरे जिसे किलो वाली कुर्सी बता रहे हैं उस पर वो कितनी देर तक टिक पाएंगे और क्या होंगी चुनौतियाँ। नंबर एक, सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की होगी, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी तीनों दलों की अपनी अपनी विचारधारा और राजनीतिक एजेंडे हैं। तीनों पार्टियां विचारधारा और संस्कृति के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए सामंजस्य बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। नंबर दो, हिंदुत्व छवि को बरकरार रखना। शिवसेना शुरू से ही कट्टर हिंदुत्व की छवि को लेकर आगे चली है। उद्धव ठाकरे ने सावरकर को भारत रत्न देने की भी मांग की थी। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और अब जब शिवसेना ने सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों के साथ हाथ मिलाया है, तो अब बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि शिवसेना ने हिंदुत्व की राजनीति से समझौता कर लिया है। अब देखना होगा कि वो हिंदुत्व की विचारधारा को कितना बरकरार रख पाते हैं। नंबर तीन, केंद्र से किस तरह बैठाएंगे तालमेल। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लिए बीजेपी से 25 साल पुराना नाता तोड़ा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार केंद्र में है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर जिस तरह से तेवर अख्तियार कर रखा है, ऐसे में केंद्र के साथ तालमेल बैठाने की बड़ी चुनौती होगी। नंबर चार, छत्रप वर्चस्व कायम रखने की चुनौती। महाराष्ट्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे के धुर विरोधी के तौर पर साबित हैं। ऐसे में किसी भी एक पार्टी को दूसरे को नुकसान पहुंचाकर ही उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। ऐसे में अपना वर्चस्व कायम रखने की भी चुनौती बरकरार है। और नंबर पाँच, किसानों से लेकर इन मुद्दों पर खींचतान। उद्धव अगले 5 साल के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो होगी मराठा युवाओं को रोजगार देना, राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटना। सरकार को राज्य में आर्थिक सुस्ती से भी जूझना होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती किसानों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब पर अगले 5 साल में उन्हें नतीजे भी देने होंगे, तभी वो इस कुर्सी पर बने रह सकते हैं। ऐसे में ये साफ है कि उद्धव ठाकरे के सिर जो ताज सजने जा रहा है वो बेहद ही कांटों भरा है। अगर ये चुनौतियां पार कर ली तो उद्धव ठाकरे इस कुर्सी पर काबिज रह सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।